हेलो एवरीवन, दिस इज शोम गुप्ता हियर। वेलकम टू ट्रिपल एस। स्टूडेंट्स, आज भी मैं आपके लिए लिमिट्स डेरिवेटिव के ऊपर एमसीक्यू की सीरीज लेके आया हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है आपके सामने, क्या बोला हुआ है? फॉर ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसके लिए बात कर रहे हैं? लिमिट ऑफ ए फंक्शन के लिए। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ही दिया है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी? किसी पॉइंट ए पे। पॉइंट भी नहीं दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है? लिमिट किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट कब करेगी? फॉर ए लिमिट, लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए। कोई भी फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इनमें से क्या कंडीशंस होंगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ए पॉइंट पे, सेकंड है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, थर्ड है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी मगर वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, और फोर्थ है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी मगर आपस में दोनों क्या होंगी? इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स, आप में से वो बच्चे जो मेरे फर्स्ट लेक्चर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो इसका आंसर पक्का पता होगा, ठीक है। तो मैं दो मिनट रुक रहा हूँ, आप बताओ अभी नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है? शाबाश, बताइए। मैंने आपको बताया था, आई होप आपने अभी तक कमेंट में लिख दिया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था। यह आपके पास है ए पॉइंट, अगर लेफ्ट से आते हुए आप इधर रुके हो, सपोज आप लेफ्ट से आते हुए ए पे कहां पे पहुंच गए? टू पे। और राइट से आते हुए आप ए पे कहां पे पहुंच गए? राइट से आ रहे हो, और ए पे आप कहां पहुंच गए? थ्री पे। तो लेफ्ट और राइट क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो क्या इस ए के ऊपर मैं बोल सकता हूँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? इस ए के ऊपर क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो जब इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर ये बोलता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे एग्जिस्ट कर रही है? ए पे, मगर इसने राइट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने डी को टिक मारा है तो वो अच्छे से जा रहा है लिमिट डेरिवेटिव पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है तो मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, और सपोज किया लेफ्ट हैंड लिमिट टू आ रही है क्योंकि इसने बोला था इक्वल नहीं है, और राइट से अप्रोच कर रहा हूं तो सपोज थ्री आ रही है तो इक्वल नहीं है, तो ए पे मैं क्या बोलूं? टू बोलूं थ्री बोलूं? कंफ्यूज हो गया, तो ए पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। आज भी बच्चों में से कोई एक स्टूडेंट था जिसने कमेंट सेक्शन में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, सर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। उसने पूछा था लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो उन स्टूडेंट का नाम शाहिद से कोई शाहिद अख्तर था, तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूं, ये एक डायरेक्ट वैल्यू होती है साइन एक्स बाय एक्स। जैसे आप इसमें एक्स को जीरो डालते हो तो क्या मिलता है आपको? साइन जीरो, और बेस में भी जीरो, साइन जीरो जीरो होता है और ये भी जीरो, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। अब ये वन के इक्वल क्यों होता है, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा। ये वन के इक्वल क्यों होता है, मैं आपको अभी तीन चार मेथड है इसको वन के इक्वल प्रूव करने के। अब ये वन के इक्वल होता है क्योंकि ये बन रही है जीरो बाय जीरो फॉर्म। कैसे पता चला मेरे को जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है? आपने इसमें जीरो डाला तो साइन जीरो जीरो, और नीचे भी जीरो। जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बने तो हम एक रूल लगाते हैं जिसका नाम होता है एल हॉस्पिटल रूल, और ये एल हॉस्पिटल रूल आपको तभी आएगा जब आपको डिफ्रेंसिएशन आती होगी, और अभी तो मैंने आपको लिमिट बना रहा हूं। तो इसलिए जो इस टाइप की क्वेश्चन है ना बच्चों, तो मैं आपको तब कराऊंगा जब अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपका डेरिवेटिव शुरू करूंगा। तो जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है ये हम उसमें कवर करेंगे। अभी मैं आपको कॉन्टिन्यूटी लिमिट के वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें डिफरेंशिएशन का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो, तो आपके को प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाऊंगा, चीजें आपके लिए सिंपल बनाऊंगा। तो जिन्होंने पूछा तो मैं उनके लिए आंसर बता देता हूँ, ये बनती है जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं न्यूमिनेटर की एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, न्यूमिनेटर की एक बार क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, डिनोमिनेटर की भी एक बार कर दो तो होती है वन। जैसे आपने इसमें एक्स डाला तो कॉस जीरो क्या आता है? वन।
ये उनके लिए बताया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बाकियों ने इसमें पढ़ना ही नहीं है, ये सब मैं कवर करूंगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एमसीक्यू आ गया। जैसे इन्होंने मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछा था सर इसके बारे में बताओ, ऐसे आप भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हो, आपकी कोई भी डाउट होंगे मैं सब क्लियर करूंगा। मैं आपके लिए अगर लेक्चर बना रहा हूं तो मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए ही लेक्चर बना रहा हूं। आई होप आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए जो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं ये रात के 10:10 हो रहे हैं, तो अगर मैं टाइम पास कर रहा हूं तो टाइम पास के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक एमसीक्यू हो गया, बोलते हैं लिमिट फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, और ये मैंने उन स्टूडेंट को आंसर दिया जो मेरे से पूछ रहे थे। ये एल-हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, x approaches to -2 negative, आपका जो x है वो -2 के पास जा रहा है, then x can assume the values, इसका meaning क्या है कि जो ये given है, x आपका -2 के पास जा रहा है, और बोल रहा है x assume the value, assume का meaning होता है takes, takes का meaning होता है equal भी बोलते हैं इसको math की language में, मतलब x क्या क्या values ले सकता है, x के आंसर क्या आ रहे होंगे, मतलब x अगर आपका -2 के पास जा रहा है तो x की क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। आप अगर मेरी एमसीक्यू दी हुई सीरीज कर रहे हो तो आपके जेकेएसएसबी में लिमिट डेरिवेटिव्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब निकाल के ले जाओगे, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए, मेरे से जितना हो रहा है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं बेसिक से बेसिक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूं। आपको बस क्या करना है, साथ साथ आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में और बताना है कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो पहला ऑप्शन कि जो x है क्या वो इक्वल टू -2 होगा, दूसरा ऑप्शन क्या वो 2 से बड़ा होगा, तीसरा ऑप्शन क्या वो लेस देन और इक्वल टू -2 होगा, और फोर्थ ऑप्शन क्या वो लेस देन -2 होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को समझो और क्लिक करो, बताओ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे प्लीज। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद आंसर सोचिए और फिर देखिए क्या यही आंसर है, ठीक है। तो अब चलता हूं मैं आपको इसके आंसर में, पहले तो जो दिया है उसको डायग्राम में बनाएंगे। तो ये बोल रहा है आपके पास -2 है, ये -2 दिया हुआ है तो मैंने -2 बना दी, ठीक है। अब बोल रहा है एक्स -2 के पास जा रहा है, तो एक्स के पास दो रास्ते हैं, इस साइड से इस साइड से, उसने बोला है नेगेटिव, तो जो आपका एक्स है वो इस साइड से जा रहा है, तो एक्स आपका इधर बैठा होगा, ये 2 के इस साइड। अब बताओ ये इधर बैठा है तो क्या ये -2 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 2 से बड़ा हो गया, 2 तो कहीं इधर है, 2 से बड़ा इधर होता है, ये वो भी नहीं है। क्या ये लेस देन और इक्वल टू -2 है, लेस देन तो है, लेस देन तो है मगर इक्वल टू कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अप्रोच का मीनिंग होता है उसके पास जा रहा है कभी भी इक्वल नहीं होता है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसमें सब बताया गया है, ठीक है। सब लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी समझ आएगा। तो ये बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन क्या बोलते हैं, लेस देन -2। तो आप देख लो ये -2 और एक्स इधर बैठा है तो ये लेस देन नहीं है, इससे छोटा ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बेसिक बेसिक से एमसीक्यू हैं, अभी इनसे हम सीधे हाई लेवल पे चल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको ये लिमिट डेरिवेटिव सब करवा दूंगा। अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझ है तो प्लीज बताइए, कोशिश करूंगा उनके ऊपर भी आपके लिए लेक्चर लेके आऊं। तो चलो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन दे दिए, ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, जब x छोटा है तो ये फंक्शन लेना, जब x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन लेना, और बोल रहा है इस फंक्शन की इस ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट चेक करनी है किसके ऊपर, 0 के ऊपर। तो प्लीज खुद से ट्राई कीजिए, गलत भी होता है कोई टेंशन नहीं, बड़े एमसीक्यू आने वाले हैं, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। अगर गलत भी होता है तो डिमोटिवेट नहीं होना, मैं हूं इधर, आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए, प्लीज आप मेरे को बताइए, मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है।
तो बोलते हैं लिमिट चेक करनी है जीरो पे, तो फिर डायग्राम ना लो, इस जीरो पे चेक करनी है। फिर मैंने आपको कैसे सिखाया है, ये है जीरो से लेस देन, तो ये जीरो से लेस देन है। जीरो से लेस देन के लिए क्या फंक्शन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। जीरो और जीरो से बड़े के लिए, सॉरी कलर दूसरा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्या बोलते हैं जीरो या जीरो से बड़े के लिए, ये जीरो या जीरो से बड़े के लिए क्या फंक्शन लेना है, एक्स प्लस टू। अब बोलते हैं इस जीरो पे बताओ क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैंने आज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या बताया, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आती है तभी वो एग्जिस्ट करती है, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो जीरो का लेफ्ट आया ये पोर्शन, और इस पोर्शन का फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपने इसके अंदर सीधे डायरेक्ट जीरो डालना है क्योंकि जीरो पे चेक करना है, तो ये जीरो इधर डाल देना है। तो कितना आएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, वन। फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, जीरो का राइट साइड ये है, इसका फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये जीरो इधर भी डाल देना, कितना आ रहा है, टू। लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रही, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ रही है, राइट हैंड लिमिट टू आ रही है, तो ये इक्वल नहीं आ रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पे जो लिमिट है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना डी आएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एमसीक्यू कैसे आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मैं आपको स्टूडेंट्स एमसीक्यू करवा रहा हूं ना, ये उन बच्चों को भी नहीं पता है अभी तक जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, ऑलमोस्ट को इस लिमिट और डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में हमेशा प्रॉब्लम रही है, हमें भी रही थी अपने टाइम पे, और आज के बच्चों को भी रहती है, कोई समझाता ही नहीं ढंग से। तो मैंने कोशिश जरूर की है समझाने की, अब वो आपसे ही पता चलेगा क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आप के की कैसी वैल्यू लो कि जो इस फंक्शन की लिमिट है वो वन के ऊपर एग्जिस्ट करे। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाए हुए हैं। ठीक है, आप के की क्या वैल्यू लो कि जो लिमिट ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन की जो लिमिट है वो वन के ऊपर क्या करे, एग्जिस्ट करे। के की ऐसी कौन सी वैल्यू लो, तो चेक करते हैं किसके ऊपर एग्जिस्ट करा रहे बच्चों, वन के ऊपर। तो ये वन पहले, सबसे पहले डायग्राम, और फिर बोला है वन से लेस देन, वन से लेस देन, तो ये आया आपका वन से लेस देन। वन से लेस देन के लिए क्या फंक्शन है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, फिर बोलते हैं वन से बड़ा क्या फंक्शन है, ये वन और वन से बड़ा क्या फंक्शन है, शाबाश एक्स प्लस टू। अब बोलते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आप के की कैसी वैल्यू लो कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए वन पे। अगर लिमिट वन पे एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, सेम, तभी एग्जिस्ट करती है, आपको मैंने बताया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ये है क्योंकि वन का लेफ्ट ये है, ये क्या है वन का लेफ्ट, क्योंकि वन के ही लेफ्ट पे चेक करनी है, वन पे चेक करनी है, और ये है वन का राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन लेना है, तो इस फंक्शन में मैं एक्स किसके ऊपर चेक करनी है, वन के ऊपर, तो इस फंक्शन में मैं एक्स की प्लेस में वन डालूंगा, के इंटू वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन, तो कितना आया के इंटू वन प्लस टू, तो कितना आया के इंटू थ्री। अब इक्वल टू किसकी है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये है, इसमें एक्स की प्लेस में वन डाल लें तो वन प्लस टू कितना आ जाएगा थ्री, ये भी थ्री, थ्री और थ्री कैंसिल, तो के किसके इक्वल आया वन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू देख के बंदा चकरा जाता है क्या फंक्शन दे दिया, मगर अगर आपने सारे लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको पक्का समझ आ रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सोल्यूशन पक्का मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मेरे को अगर कोई भी डाउट पूछता है मैं उसको पक्का रिस्पॉन्स करता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके लिए ही लेक्चर बना रहा हूँ तो अगर आप भी क्वेश्चन पूछोगे आपको ही नहीं बताऊंगा तो क्या फायदा मेहनत करने का, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यू मैं आपके सामने लाया हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको सब कंसेप्ट बताया। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इस मैथ से बाहर निकालना, इसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना। तो बोला है फ्रॉम द ग्राफ, जितने भी ग्राफ्स हैं इन ग्राफ में से चेक करो
क्या चेक करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस, इन तीन केस दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा केस है जो एप्लीकेबल है, मतलब जो ट्रू है, किसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए, किसके लिए, लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब किस पॉइंट पे, टू पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट ग्राफ है इस पे भी टू पॉइंट दिया हुआ है, ये टू पॉइंट, इस पे भी टू पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और इस पे भी टू पॉइंट दिया है। मैं आपको फिर समझा दूं, अगर आपको किसी पॉइंट पे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी हो तो क्या देखना पड़ता है, जो लेफ्ट साइड से ग्राफ आ रहा है और जो राइट साइड से ग्राफ आ रहा है वो सेम पॉइंट पे ही रुकने चाहिए, बराबर बराबर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लेफ्ट साइड से आ रहा है ना ग्राफ, मगर ये इधर रुक जाता है, कहां रुक जाता है, इधर। सपोज ये अगर वन है तो, मगर जो राइट साइड से आ रहा है वो कहां रुक रहा है, इधर नीचे रुक रहा है, तो ये वन से छोटा है, 0.8 होगा। क्या ये इक्वल है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है तो ये एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। जब आप इस साइड में लेफ्ट से आ रहे हो तो आप ग्राफ कहीं इधर रुक रहा है, सपोज ये वन है, राइट से आ रहे हो तो आप ग्राफ इधर रुक रहा है, सपोज ये टू है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इधर भी एप्लीकेबल नहीं है। मगर जब आप इधर देख रहे हो, लेफ्ट से आ रहे हो तब भी इधर रुक रहा है, राइट से आ रहे हो तब भी बराबर रुक रहा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा आपके भी बराबर रुक जाए तब भी एग्जिस्ट करती है, ये तो सीधी लाइन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये एप्लीकेबल है। मेरा कहने का, टेढ़ा मेढ़े का मतलब था कि अगर टू पे चेक करना है और आपका ग्राफ ऐसे ऐसे आ रहा है और इधर रुक गया, और इधर से ऐसे आ रहा है लेफ्ट से, वो भी इधर रुक गया, तो अभी भी ये क्या लिमिट इसकी भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, ये कहने का मतलब, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये जो एमसीक्यू है इसी लेवल के एमसीक्यू आने हैं आपको, अगर आपको और एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज मेरे को बताइए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा लैपटॉप की हेल्प से आपको नोट के ऊपर इस टाइप के एमसीक्यू और भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू वो वाले थे जिनके ऊपर हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस फोर लेक्चर में स्टडी कर चुका है, ये उनके ऊपर एमसीक्यू होते हैं। आपको इस लेवल से ऊपर एमसीक्यू नहीं आने वाले हैं, या मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो मेरा लेक्चर नेक्स्ट आएगा, कोशिश करूंगा जल्दी से आएगा, ठीक है। तो उस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, एक लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी। तो उस लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी के एमसीक्यू भी पढ़ लेंगे, कॉन्टिन्यूटी और एमसीक्यू। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, वो आएगा डिफरेंशिएशन का, वो छोटा सा लेक्चर होगा, फिर उसके बाद हम दोबारा एमसीक्यू करेंगे। तो कहने का मीनिंग है फोर लेक्चर्स में और फोर लेक्चर्स लेंगे और आपका ये लिमिट डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, ये और फोर लेक्चर्स लेंगे और आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, लिमिट और डेरिवेटिव। छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, और साथ साथ में मैं आपका सेट्स भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेट्स है वो भी आपके साथ साथ वीडियो मिलेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर पे। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैथ की। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।